हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर क्या है गेट 2024 के लिए हम यहाँ पर जूलॉजी के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। चलिए आज का क्वेश्चन रीड करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है मैच द गिवन विटामिन्स इन कॉलम फर्स्ट विथ द रिलेटेड प्रोटीन्स इन कॉलम सेकंड। यहाँ क्या है कॉलम फर्स्ट जो है उसमें क्या है विटामिन्स दिए हुए हैं एंड देन सेकंड जो कॉलम है उसमें प्रोटीन्स दिए हुए हैं। तो यहाँ क्या है विटामिन सी जो होता है वो कौन से प्रोटीन को सिक्रेट करता है या कौन से प्रोटीन को बनाता है। तो जो विटामिन सी होता है ये हमारे बनाता है प्रोलाइल हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम को क्या है विटामिन सी बनाता है। तो हमारे ए का हो जाएगा 4। और जो विटामिन के है ये हमारे किसको बनाता है, विटामिन के जो होता है वो थ्रोम्बिन को बनाता है। तो इसका हो जाएगा 1st। विटामिन ए होता है ये हमारे रोडोप्सिन हार्मोन को प्रोटीन को बनाता है। एंड देन जो विटामिन B1 होता है ये बनाता है पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज को। तो इस तरह से हमारा जो है 1 का 4 हो जाएगा। तो 1 का 4 हमारे 2 में दिए हुए हैं। इसके बाद है हमारे बी का फर्स्ट भी 2 में है। विटामिन जो ए है C का 2 है, तो C का 2 हमारे ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या एक तरफ विटामिन थे, विटामिन की पूरी एक लिस्ट है, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी या कमेंट्री सेक्शन में आपके अपलोड कर दूंगी। तो वहां से पूरा अच्छे से विटामिन को लर्न करना आपको, वो कौन से प्रोटीन सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टर्म्स इन कॉलम फर्स्ट। यहाँ क्या है कॉलम फर्स्ट में कुछ टर्म्स दिए हुए हैं विथ द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। इन टर्म्स के लिए एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन हमें कॉलम सेकंड में दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें जो स्प्लाइसियोसोम जो होता है इसमें क्या होता है, स्प्लाइसियोसोम मैकेनिज्म में क्या होता है हमारा, जिस तरह से mRNA होता है इसमें कोडिंग एंड नॉन कोडिंग जो जीन्स होते हैं दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। तो एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन्स एंड एक्सोन। यहाँ क्या है ये mRNA इसका 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड होता है, ये है mRNA। तो यहाँ पर क्या है स्प्लाइसियोसोम मैकेनिज्म के थ्रू क्या है जो नॉन कोडिंग जीन्स जो होते हैं इन्हें क्या है यहाँ से रिमूव किया जाता है इस तरह से। तो फिर एक्सोन जो होते हैं हमारे ये क्या है हमारे बाइंड करते हैं इस तरह से। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम या स्प्लाइसिंग। तो यहाँ क्या होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो इस तरह से 1 का हो जाएगा 4। प्रोक्सीजोम क्या होता है, प्रोक्सीजोम में हमारे इस तरह से कुछ ये वर्क करता है कि यहाँ पर ये क्या है मेटाबॉलिज्म ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो होते हैं हमारे। काफी जो फैटी एसिड्स होते हैं कोई 16 कार्बन का होता है, कोई 12 कार्बन का, कोई 14, कोई 18, इस तरह से काफी लॉन्ग चेन में फैटी एसिड्स होते हैं। उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे प्रोक्सीजोम कंपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर होता है। फिर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट सेल ऑर्गेनली होता है जो भी होता है उनका क्या है यहाँ पर डाइजेशन या उनको सुसाइड किया जाता है या मारा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम में कुछ इस तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल के लिए क्या है ये कभी कभी अपने खुद के एंजाइम्स या खुद के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनली उनके लिए डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो इसको बोलते हैं सेल स्क्वेंजर्स। तो ये हो जाएगा 1st। फिर है D हमारे सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या होता है हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है उसमें प्रेजेंट होता है। इस तरह से हमारा A का हो जाएगा 4। तो A का 4 हमारे 2 में दिया है। B का प्रोक्सीजोम का मेटाबॉलिज्म ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, तो इसका हो जाएगा 2। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो B है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या है हमें कुछ टर्म्स है, स्पाइसिंग क्या होती है, प्रोक्सीजोम है उसमें क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है सेल ऑर्गेनली है, और ये सेंट्रोसोम भी होता है इसमें क्या होता है, ये सब बताया गया था। आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे यहाँ भी क्या है कुछ टर्म्स है या बिहेव्स है, जो बिहेवियर इकोलॉजी होती है इवोल्यूशन होता है उसमें आता है ये टॉपिक हमारा। तो यहाँ क्या है बिहेवियर दिए हुए हैं, बिहेवियर के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन हमें बताना है। तो यहाँ है एंटागोनिस्टिक बिहेवियर। एंटागोनिस्टिक बिहेवियर जो होता है इसमें क्या होता है अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया जाता है अगले को। ये देखो एक कैट है, ये है 2nd कैट, ये क्या कर रही है एक दूसरे को अग्रेसिव नेचर शो कर रही है। ये देखो इसको देखो एंड इसको, एक दूसरे को क्या एंटागोनिस्टिक बिहेवियर ये शो करती है। तो इसमें हमारे क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ पर देखें तो एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन ए पॉपुलेशन, तो यहाँ हो जाएगा ए का 3. फिर है हमारे हिरार्चियल बिहेवियर, तो इसमें क्या होता है हमारे डोमिनेंस देखी जाती है. हिरार्ची में क्या एक दूसरे के ऊपर क्या डोमिनेंस है उसका लेवल चेक किया. एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ डोमिनेंस विद इन ए पॉपुलेशन, ये क्या है हमारे हिरार्चियल बिहेवियर में देखा जाता है. ये इसका डायग्राम है, आप अच्छे से समझ सकते हैं इसके ऊपर इसकी डोमिनेंसी क्या है. फिर है एल्टोरिस्टिक बिहेवियर. एल्टोरिस्टिक बिहेवियर जो होता है इसमें क्या होता है हम हर हाल पर क्या है, जैसे कि ये पेरेंट है तो अपने बच्चे की हर हाल में ये क्या हेल्प करता है, और जब जरूरत पड़ती है तो बच्चा भी क्या है पेरेंट की हर हाल में क्या है हेल्प करता है. तो इस जो बिहेवियर होता है इस टाइप का, मतलब इसके अंदर क्या है, मतलब कि ये हम इस मतलब कि इस वजह से हम हेल्प नहीं करते हमारे पेरेंट की कि हमें भी रिटर्न में हेल्प मिलेगी, जबकि वो हमारे पेरेंट हैं हम इस वजह से करते हैं. यहाँ जो रिलेशन होता है ब्लड का, तो वो हमारे रिलेशन होता है 0.5. यहाँ क्या है जीन्स क्या है शेयरिंग होती है, इस वजह से यहाँ क्या है एल्टोरिस्टिक बिहेवियर होता है. अगर इसमें हम देखें तो ये आ जाएगा इंडिविजुअल बिहेवियर्स वेयर फिटनेस ऑफ अदर इंक्रीज एट द एक्सपेंस ऑफ सेल्फ, ठीक है. इस तरह से इसका हो जाएगा हमारी फर्स्ट. फिर है कोऑपरेटिव बिहेवियर. कोऑपरेटिव बिहेवियर में क्या होता है, जैसे कि अपन कहीं पर भी बैठते हैं, हमारा दोस्त होता है, फ्रेंड सर्किल होता है, वहां के एक दूसरे की कोऑपरेट से हम कोई भी हम काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कि एक दूसरे की राय लेते हैं, तो वो चीज जो होती है वो कोऑपरेटिव बिहेवियर में आता है. तो इस तरह से इसमें क्या आ जाएगा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनहांसमेंट ऑफ म्यूचुअल फिटनेस, क्या एक दूसरे की फिटनेस भी देखी जाती है, एक दूसरे से राय भी ली जाती है. तो ये होता है हमारे कोऑपरेटिव बिहेवियर. तो इस तरह से हमारे आ जाएगा, ये तो नहीं होंगे दोनों, इस तरह से एक का 3 है, ठीक है, हिरार्ची का एक का 4, ये भी ठीक है, फिर है सिक्का, ठीक है, ये हमारे सही आंसर हो जाएगा. तो हमारे यहाँ क्या है कुछ बिहेवियर्स के बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था. ये देखिए कोऑपरेटिव, सारे फ्रेंड सर्किल एक साथ मिलकर के कुछ भी कोई मतलब प्लान बनाते हैं, उसके लिए एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, एक दूसरे को कितना बेनिफिट्स हो रहा है, सब ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोजर्स ऑफ न्यूरल ट्यूब ड्यूरिंग न्यूरिलेशन. न्यूरिलेशन की प्रोसेस जो होती है हमारी जो एक्टोडर्म होती है इसके अंदर होती है, और हमारी जो आई फील्ड होता है, आई फील्ड का क्या है मतलब एक पूरी जगह देखी जाती है. आई फील्ड उसको बोलते हैं कि हमारे जो ब्रेन वाले पार्ट है वहां पर कौन सी जगह पर आइज बनेगी, तो उसके लिए क्या है एक्टोडर्म वाले पार्ट में न्यूरिलेशन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू क्या है यहाँ आई फील्ड का जो एरिया है वो बनाया जाता है. इज द प्रोसेस इन विच न्यूरल ट्यूब eventually form a closed cylindrical that separate from surface ectoderm, ठीक है. फिर है which one of the following terms is linked to the failure in the closure of entire neural tube that is brain and spinal cord over the body axis. तो यहाँ क्या है जैसे कि न्यूरल ट्यूब होता है उसमें न्यूरिलेशन की प्रोसेस होती है, इसके थ्रू क्या होता है हमारे सरफेस एक्टोडर्म में हमारे आई फील्ड का स्पेशिएशन होता है. उसके बाद क्या आई फील्ड कहाँ बनेगी ब्रेन में, फिर उसके मतलब कि न्यूरल ट्यूब जो होती है इंटायर जैसे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ये सब हमारे कहाँ बनेगी, इन सब का स्पेशिएशन होता है. लेकिन इन सब का जो बनना जो होता है वो फेल हो जाता है, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हमारे को बोलते हैं कैरेनियो आर्चिस. इसको आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर लिए ना, मुझसे बोलने में नहीं आ रहा है, ठीक है. इस टर्म को ये बोला जाता है. तो इस टर्म में क्या होता है इज द मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन विच बोथ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिमेन ओपन एंड बोथ सिफेली एंड स्पाइनल बाइफिडा. तो यहाँ क्या होता है जो भी हमारे फील्ड स्पेशलाइज्ड किए जाते हैं, जैसे कि हमारे आंखें ब्रेन के जस्ट नीचे बनेगी, एक्टोडर्म वाली लेयर बनाती है, उसके बाद हमारा नोज बनेगा, लिप्स बनेगा, तो इन सब का क्या है एक पर्टिकुलर एरिया फिक्स होता है. तो ये सब जो बनते हैं न्यूरिलेशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, तो ये सब बनने नहीं होते, फेल हो जाता है, नहीं बन पाते हैं. तो इसके लिए जो टर्म होता है उसको बोला जाता है सिरेनियो आर्चिस बोला जाता है, ठीक है. तो ये हमारे इसमें देखो कि हमारे आंख कहाँ बन रही है, ब्रेन कहाँ बन रहा है, बॉडी के और पार्ट्स कहाँ बन रहे हैं, ये सब इसमें दिया हुआ है. इसके बाद हमारे जो बाकी के ऑप्शंस है वो एलिमिनेट हो जाएंगे. ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following factors does not contribute to allopatric speciation? अब यहाँ क्या है, जो speciation होता है वो हमारे 2-3 टाइप के होते हैं, allopatric, peripatric, sympatric, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा गया, जो allopatric speciation होता है नॉट कॉन्ट्रीब्यूट। तो अगर इसके बारे में हम देखें थोड़ा सा, speciation होता क्या है, ये देखो allopatric, peripatric एंड sympatric। peripatric भी होता है, 4 टाइप का होता है। यहाँ क्या है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन दी हुई है ग्रीन कलर की, एंड देन उसके बाद है इनिशियल स्टेप ऑफ स्पेशिएशन प्रोसेस। अब यहाँ क्या है, इन स्पेशिएशन में क्या है, किसी किसी जैसे कि कोई एक स्पीसीज है या कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे कि बाढ़ आया, कुछ भी आया, तो वहां का जो पर्टिकुलर एरिया होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेशिएशन। तो यहाँ क्या है, कोई भी रिवर बन गई बीच में से, जस्ट यहाँ इस पॉपुलेशन के बीच में से कोई रिवर निकल रही है, तो यहाँ क्या रिवर निकलेगी, तो ये वाला पार्ट अलग है, ये और रिवर को पार करके यहाँ वाले जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ नहीं आएंगे ब्रीडिंग करने के लिए, और यहाँ वाले ऑर्गेनिज्म ब्रीडिंग करने के लिए इस वाले पॉपुलेशन में नहीं जाएंगे। तो ये जो पॉपुलेशन प्रेजेंट है यही क्या है, आपस में क्या है, ब्रीडिंग इंटरब्रीडिंग करने लग जाता है। इससे क्या है, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। फिर यहाँ क्या बैरियर के थ्रू क्या है, ये पॉपुलेशन अलग हो जाती है एंड ये पॉपुलेशन अलग हो जाती है। ये होता है हमारे एलोपैट्रिक में। अब पेरीपैट्रिक में क्या होता है, न्यू नीश इंटाइड एंटर्ड, ये न्यू थोड़ा सा छोटा सा एरिया है, वहां पर क्या है छोटी सी, जैसे कि हम एक एरिया में रहते हैं, इस तरह से अगर मैं डायग्राम बनाऊ तो एक एरिया में हम रहते हैं। अब हमारा मन कर रहा है इतनी सी पॉपुलेशन का कि नहीं, हम यहाँ पास वाले एरिया में जाके देखते हैं कि यहाँ अच्छा इनको फूड मिल रहा है, अच्छी इनको ब्रीडिंग करने के लिए पार्टनर मिल रहा है। तो यहाँ क्या है, ये कुछ लोग क्या है अपने मन से उठ करके यहाँ चले जाते हैं, और यहाँ पर ये जाते हैं तो यहाँ जो ऑर्गेनिज्म गए हैं ये क्या है आपस में इंटरब्रीडिंग करने लग जाते हैं, तो इस तरह से अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ क्या है, ये वापस से लौट करके अपनी जो पहली वाली ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है इसके अंदर नहीं आते हैं। तो इस तरह का जो स्पेशिएशन होता है वो होता है पेरीपैट्रिक स्पेशिएशन। तो यहाँ क्या है, इस तरह से ये बाहर निकल गई थोड़ा सा एरिया, ये देखो यहाँ जस्ट निकला, इसी पॉपुलेशन का गया था इसलिए उसी कलर से इसको डिनोट किया, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद इन्होंने क्या आपस में इंटरब्रीडिंग की और अपना एरिया जो है वो चेंज कर लिया, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अलग हो गई, क्योंकि बाद में लौट करके वापस से नहीं आए यहाँ पर ब्रीडिंग करने के लिए। तो ये वाला जो एरिया है ये अलग हो गया और ये ओरिजिनल पॉपुलेशन का था, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है हमारा पेरीपैट्रिक स्पेशिएशन। सिम्पैट्रिक में क्या होता है, उसी में ही जैसे कि पूरी यहाँ पॉपुलेशन रह रही, इस पॉपुलेशन का एक छोटे से ग्रुप ने सोचा कि हम क्या है पूरी पॉपुलेशन के साथ ब्रीडिंग ना करके हम आपस में ही ब्रीडिंग करेंगे। तो इस तरह से ये देखो यहाँ पर उसी पॉपुलेशन के अंदर क्या है छोटा सा ग्रुप रहता है, सिम यानी उसी के साथ साथ, सिम का मतलब होता है साथ साथ, एलो यानी अलग होना, पैरा यानी होता है पेरीफेरी में रहना, ठीक है। इन तीनों का थोड़ा मतलब याद करने के सेंस से आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से विद इन ही पॉपुलेशन में ही ये लोग रहते हैं, इस तरह से अपने पॉपुलेशन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ अगर देखिए जियोग्राफिकल बैरियर के थ्रू इनमें स्पेशिएशन होता है। यहाँ पर क्या है पैरा में क्या है आपस में साथ में ही रहते हैं, लेकिन पेरीफेरी की तरफ अलग पॉपुलेशन चली जाती है। सिम्पैट्रिक क्या होता है इसी के अंदर रहते हैं साथ साथ। पैरी में क्या होता है, जैसे कि पॉपुलेशन में कुछ भी, जैसे कि हमारे इस तरह से कोई ग्रास लगी हुई है, यहाँ पर क्या है हमारी माइंस चल रही है या उनका जो गंदगी निकल के आती है, तो यहाँ जो कुछ प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं वो उस माइंस के लिए या जो डर्टी वाटर आता है उसके लिए क्या है रेजिस्टेंट होता है। तो यहाँ जो रेजिस्टेंट वाले प्लांट है वो तो जीवित रहते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ प्लांट्स क्या है वो रेजिस्टेंट नहीं होते हैं, तो इनका कलर अलग रहता है और इनका कलर क्या है अलग रहता है। तो इस टाइप से ये होता है पेरीपैट्रिक स्पेशिएशन। अब हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है एलोपैट्रिक। तो यहाँ क्या था, आइसोलेटेड पॉपुलेशन इज एक्सपोज टू डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर एज कंपेयर टू पेरेंट, ठीक है ये भी सही है। ए पॉपुलेशन बिकॉम जियोग्राफिकली आइसोलेटेड होती है पेरेंट पॉपुलेशन से, ये भी ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर बिटवीन टू सेपरेट पॉपुलेशन, ये भी सही है। तो यहाँ क्या होता है देयर इज ए जीन फ्लो बिटवीन टू सेपरेट, यहाँ क्या है कोई जीन फ्लो नहीं होता है, क्योंकि दोनों एक जैसे कि ओरिजिनल पॉपुलेशन जैसे ही सेपरेट होती है जियोग्राफिकल बैरियर के थ्रू, तो इसका जीन फ्लो अलग होता है, इस पॉपुलेशन का अलग होता है, दोनों का बिल्कुल जीन फ्लो नहीं होता है इनका आपस में। तो यहाँ क्या है ये गलत दिया हुआ है, ये हमारे लाइन यहाँ क्या है कोई सेपरेट पॉपुलेशन में कोई भी जीन फ्लो नहीं होता है। तो इस तरह से सारे ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारी टर्म्स आपको याद करनी है, एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक। इसलिए मैं ये चार्ट लाई हूँ, आप इसको याद रखना। इसके ऊपर गेट में भी क्वेश्चन आते हैं एंड हमारे CSIR नेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, पूरे चारों के ऊपर भी आ जाते हैं, या जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तीन आपको करेक्ट ऑप्शन दे देंगे, एक आपको इनकरेक्ट दे देंगे, तो भी आपको पहचानना है, या फिर तीनों की डेफिनेशंस दे देंगे चारों की, और यहाँ पर किसी एक के बारे में पूछेंगे, तो चारों डेफिनेशंस को देख के आपको पता लगाना है कि एलोपैट्रिक की कौन सी डेफिनेशन है इस टाइप से। तो आपको CSIR नेट में एंड गेट दोनों में इसमें क्वेश्चंस आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मैच द हार्मोन्स। एक तरफ हमारे हार्मोन्स दिए हुए हैं एंड एक तरफ उनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी पर वो दिया हुआ है। कॉलम सेकंड में इनके इफेक्ट दिए हुए हैं, कॉलम फर्स्ट में हार्मोन्स दिए हुए हैं। अब अगर हम देखें, मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है ये हमारे नाइट के टाइम क्या है, हमारे बॉडी में सिक्रेट होता है। जब हमें नींद आ रही होती है तब हमारे नींद के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है स्लीपिंग के लिए, वो मेलाटोनिन हार्मोन होता है। क्या करते हैं हम, रात को सोने से पहले अगर मोबाइल चलाते हैं, यूवी रेस हमारी आईज पर गिरती है, उससे क्या है हमारी जो मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है उसका सिक्रीशन इनहिबिट होता है। इसलिए बोलते हैं कि सोने से आधे घंटे या 1 घंटे पहले हमें मोबाइल यूज में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जैसे ही लाइट के कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है इसका सिक्रीशन लेवल जो होता है वो डिक्रीज होता है। आजकल के लोगों में इस हार्मोन का जो लेवल है वो काफी डिक्रीज हो चुका है। तो ये क्या करता है, रेगुलेशन करता है हमारे कार्डियक रिदम को, क्या है ये रेगुलेट करता है। तो ये हमारे हो जाएगा एक का 5। फिर है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन में हमारे क्या होता है, ये सिंथेसिस ऑफ मिल्क एंड यूट्रेनिन कॉन्ट्रेक्शन के लिए क्या हेल्प करता है। तो इसका हो जाएगा हमारे 3। फिर है कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है, ये हमारे क्या करता है, इस हार्मोन के थ्रू हमारे बॉडी पर कौन सा इफेक्ट जो है वो देखा जाता है। तो ये क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम फ्रॉम पैंक्रियाटिक एनी एसिनर सेल्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारे 4। फिर है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो हमारे सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड पर क्या है मिल्क का सिक्रीशन। ऑक्सीटोसिन आपको याद करना है, ये क्या करता है मिल्क एंड यूट्रेनिन कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, जबकि प्रोलैक्टिन क्या करवाता है मिल्क इन मेमरी ग्लैंड्स में क्या है मिल्क का सिंथेसिस करवाता है। फिर है सोमेटोस्टेनिन जो होता है, ये क्या करता है इनहिबिट ऑफ सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ हॉर्मोन्स के सिक्रीशन को क्या है ये इनहिबिट करता है। तो हमारा एक ये कट जाएगा। फिर है इसका 3, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे ये हार्डी-वेनबर्ग से है। जस्ट ऐसा क्वेश्चन हमने बॉटनी में भी किया था, हार्डी-वेनबर्ग का। ये इकोलॉजी एंड जो जेनेटिक्स है उन दोनों का कॉमन टॉपिक होता है, इवोल्यूशन, इन दोनों का कॉमन टॉपिक होता है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं, डिस्टिंक्टली लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रैंडमली मेटिंग लेबोरेटरी माइस कंटेन, यहाँ क्या है 36% हमें क्या मिला एल्बिनो माइस। अब एल्बिनो जो होता है वो रिसेसिव होता है, विच इज कॉज्ड बाय ए डबल रिसेसिव, ठीक है। जीनोटाइप यहाँ क्या है हमारे जीनोटाइप AA दिया हुआ, स्मॉल ए। द ब्लैक कलर्ड माइस इन पॉपुलेशन ड्यू टू डोमिनेंट जीनोटाइप, यहाँ क्या दिया हुआ है ब्लैक कलर के जो माइस हैं इनका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल ए है, कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगोट। फिर है कंसीडरिंग द फैक्ट दैट दिस पॉपुलेशन इज इन हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट एलील्स की हमें क्या है या फ्रीक्वेंसी पूछी। तो इसका अगर फॉर्म होता है P² प्लस में 2PQ प्लस में Q² यहाँ फॉर्मूला होता है। अब यहाँ P और Q के सेंस में हमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा A² 2AB एंड हो जाएगा स्मॉल A²। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है A² दिया हुआ है। तो A² को अगर हम कन्वर्ट करेंगे A में, तो यहाँ इसका रूट अंडर रूट लेंगे है 36 का अंडर रूट हो जाएगा हमारे 4, ठीक है 6 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा इसका अंडर रूट 6। अब यहाँ क्या है ओवरऑल जो वैल्यू होती है हमारी इक्वल्स टू 1 ली जाती है, तो यहाँ A = हमारे 6 आ रहा है, ठीक है। अब इसको हमें अगर उसमें कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा हमारे इस तरह से, हमारे ये आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या है हेट्रोजाइगोट निकालना है, तो हेट्रोजाइगोट का आ जाता है 2PQ। तो अगर यहाँ हम ले 2 में 0.4 एंड 0.6, तो यहाँ हमारी वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगी 0.48। हमने यहाँ क्या है 0 पॉइंट क्यों लगाया, इसको क्या है 100 से हमने इंटू किया है, इस वजह से हमने यहाँ पॉइंटों में। अब यहाँ क्या पूछा है राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस, तो यहाँ क्या है डेसिमल के बाद 2 वैल्यू हमें से पूछी गई, तो यहाँ जाएगा 0.48। इस तरह से इसका ये आंसर निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है इसमें सिंपली, क्वेश्चन में हमें रिसेसिव का पूछा है, रिसेसिव का हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, उसको हमने कन्वर्ट किया है रूट लगा करके, इसको नॉर्मली हमने फ्रीक्वेंसी में यहाँ क्या दिया हुआ है रिसेसिव जीनोटाइप दिया हुआ है, इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया 0.6 आ गया, ठीक है इसका रूट हटाया तो फिर AA का अगर हमने, क्योंकि यहाँ ओवरऑल जो वैल्यू होती है वो 1 आती है, इनकी फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला है ये इसमें, ठीक है तो 1 - 0.6 करेंगे तो 0.4 इसका आ गया। अब यहाँ क्या करते हैं 2P को हमसे पूछा था, ये वाली वैल्यू हमसे हेट्रोजाइगोट का है ये पूछा था, ये हेट्रोजाइगोट की वैल्यू तो 2 into A कैपिटल A इंटू में स्मॉल A, तो ये वैल्यू अगर हमने यहाँ लिखी तो इस तरह से 0.48 वैल्यू हमें यहाँ हमारे आंसर के रूप में मिली है। तो 0 पॉइंट क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डेसिमल हमें बताना है, ठीक है तो हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।